TBZ एरिया और जुड़वाया, मंदिर जो योजना उसको जोड़ा है। अब जो लोग आगरा में उद्योग स्थापित करना चाहेंगे IT का, उनको यहाँ पर जमीन में स्टाम्प ड्यूटी मुफ्त मतलब फ्री में होगी, स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। उनको जो बिजली का जो उनके मुहाने तक जहाँ पर उनकी फैक्ट्री की वहाँ तक ले जाने की मुफ्त व्यवस्था सरकार करेगी, और बिजली को 5 साल तक टैक्स फ्री उनको मिलेगी। ऐसे ही वहाँ अगर सड़क आदि नहीं है उसको निर्माण सरकार करेगी, मतलब कुछ इंसेंटिव्स है जिससे वो लोग यहाँ पर आकर्षित हो, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरा, IT सिटी के भी विचार में मैं हुआ मेरा योगी कि IT सिटी आगरा में डेवलप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो छात्र हैं IT से रिलेटेड BBA MBA BCA MCA करते हैं, उनके लिए चारा सिर्फ हो जाता है गुड़गांव, हैदराबाद, बम्बई, बेंगलोर, आगरा में उनके लिए भी नौकरी नहीं। ऐसे लोग आगरा में बने, IT हब बने आगरा, तो इसके लिए IT सिटी भी बने, और IT सिटी के लिहाज से लगभग 700-800 एकड़ ज़मीन चाहिए। तो उसके लिए जो योगी जी, देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा, लेकिन मेरी वार्ता हो चुकी है IT सिटी बनाने के लिए। मैं यहाँ के DM और BC से भी बात करने वाला हूँ, क्योंकि जब सैद्धांतिक वहाँ से स्वीकृति मिलेगी तब यहाँ बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा सुझाव है, तो ये जो ग्रेटर IT आगरा बना रहे हैं उनसे बात करूँगा कि कोई अगर योजना फाइनल नहीं हुई है तो इसी को IT सिटी के रूप में डेवलप करें, और अगर निकल आता है वो तरीका तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमारे पास जमीन भी है और सरकार की मंशा भी है, तो वही बन जाएगा। अगर वहाँ पर कुछ और तय हो चुका है, कुछ डिस्कशन कर लें, कोई टेक्निकल बात ना हो, तो फिर दूसरी जगह देखने की कोशिश की जाए। नक्षत्रशाला और साइंस पार्क, ये मेरे विभाग का साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का है, तो ये भी आगरा में हो, उससे दो लाभ हो, यहाँ के जो बच्चे हैं उनको यहीं पर वो सब चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आसमान में नहीं देख पाते हो, या साइंस पार्क के रूप में जो उनको नॉलेज होती है साइंस नॉलेज, वो तो साइंस पार्क और नक्षत्रशाला, इसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान करा दिया, और DM साहब उसके लिए जमीन तलाश रहे हैं। हालांकि 2-3 सुझाव मैंने भी दिए हैं, और RPS कॉलेज ने अपनी तरफ से ऑफर किया था बिजपुरी के पास उनकी जमीन है बिजपुरी जाने से पहले, तो उसको दे देगा, लेकिन वो थोड़ा और रास्ता है, अलग रास्ता है, तो उसको हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे, लेकिन बता रहा हूँ कि समाज के लोग भी साथ में जुड़े, जो योगराज अम्बरीश पाल जी ने जो कार्य किए हैं अपने अपने क्षेत्र में उनको अवगत कराए, प्रेस के माध्यम से जनता तक पहुंचे, वो तो जान लेते हैं कि काम उनका है, लेकिन प्रेस एक सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से पूरे शहर की जनता को मालूम पड़ जाता है इन विधायक का रिपोर्ट कार्ड क्या है। एक तरह से रिपोर्ट कार्ड देने की ही ये निर्देश है कि अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें जनता के सामने, जनता के सामने आपके माध्यम से पहुंचना, ये उसका एक तरीका है। इसमें और ज्यादा स्नेह मिला जनता का मुझे, मैं उसका कृतज्ञ हूँ आगरा की जनता, अपने क्षेत्र की जनता का। लीड 57,000 यानी उत्तर श्रेणी में जनता का स्नेह बढ़ता है। तो मैंने संकल्प लिया था कि आगरा की पानी की समस्या का निदान दूंगा मैं, और जो एक आगरा से पलायन होने लगा था लोगों का पानी के कारण, क्योंकि आगरा में और 100-125 मिलीलीटर पर डे यमुना का पानी यानी 400 मिलीलीटर पर डे की आवश्यकता है, और कम से कम 450-500 मिलीलीटर की उपलब्धता है, तो पानी की समस्या का निदान दिया, क्योंकि खाकपति से खरबपति तक पानी की सबको आवश्यकता है। तो पहला मैंने निदान को दिया आगरा कराए, उसके बाद दूसरे दौर में 2017 के दौर में, और हाँ सॉरी 2015 में मैंने समझ लिया था कि 2018 के एंड तक यानी दिसंबर 2018 तक गंगा जल आगरा में पहुंच जाएगा। आगरा में पहुंच तो जाएगा गंगा जल,
लेकिन उसके वितरण की व्यवस्था भी सुदृढ़ हो। आगरा में मात्र 50% क्षेत्र में जल संस्थान के वितरण की व्यवस्था थी और 50% क्षेत्र में आधी अधूरी या थी, उसको पूरी हो इसके लिए योजना बोलते हैं, वो 183 करोड़ की बनी। उसमें आगरा दक्षिण और आगरा उत्तर का पार्ट जहां गंगा जल नहीं था वहां आगरा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जब से मैं विधायक बना हूँ कितने काम प्रमुख कराए हैं जनता के लिए उसका एक तरह से रिपोर्ट कार्ड आपके माध्यम से देना चाहता था मैं। हम सभी विधायकों को हिदायत हुई है कि अपने अपने क्षेत्र में इस विषय को रखें, तो उसमें आपका सहयोग जनता तक पहुँचाएगा हमारे कामों को। तो जब मैं 2012 में पहली बार विधायक बना तो आगरा में पानी की समस्या थी, तो उसको निपटाने के लिए फौरी निदान मैंने दिया जो पिछले अपने 2 कार्यकालों में 700 समरसेबल पंप या हैंडपंप या रीबो कराए, यानी हर 4-4 दिन पूर्व पानी की एक समस्या का निदान दिया। ये फौरी निदान था, परमानेंट स्थायी निदान नहीं था। स्थायी निदान के लिए मैं जुट गया था कि आगरा में गंगा जल प्रोजेक्ट हो और गंगा जल प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करा कर जो ठंडे बस्ते में जा चुका था उसको शुरू कराया। और 9 जनवरी 2019 आगरा वासियों के इतिहास की वो तारीख बन गया कि जब मेरे नेता मोदी जी ने बटन दबाया और गंगा मैया यमुना मैया के शहर में आई। आज गंगा मैया और यमुना मैया दोनों का पानी आगरा को मिल रहा है। 400 क्यूसेक पानी की आवश्यकता, 400 मिलियन लीटर पर डे पानी की आगरा को आवश्यकता है। पहले 100-125 मिलियन लीटर पानी ही मिलता था यमुना से, अब 350 मिलियन लीटर गंगा जल और मिल रहा है। इसको वितरण की व्यवस्था सुदृढ़ हो इसके लिए मैंने लगभग 160 करोड़ की एक योजना लाया था बनवा कर, जो कि लगभग पूरी हो गई है और उसमें कई हिस्सों में पानी पहुंच रहा, कई एक 1.5 महीने के अंदर पहुंच जाएगा। उसमें 7 ओवरहेड टैंक, 4 अंडरग्राउंड टैंक, 4 पंपिंग स्टेशन और 160 किलोमीटर पाइपलाइन ये बिछाई गई है आगरा के अंदर, जिससे कि उस क्षेत्रों में जहाँ इससे पहले आज़ादी के 70 साल तक जल संस्थान की कोई पानी के वितरण की व्यवस्था नहीं थी वो शुरू हो गई है। और 265 करोड़ की एक योजना और अभी हाल में 1.5 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दी है, जो कि शेष आगरा के लिए जो छावनी क्षेत्र में है वहाँ के लिए पानी ये गंगा जल का वितरण होगा, ये व्यवस्था दी है। सीवेज सिस्टम, आगरा में सीवेज सिस्टम बड़ा चौपट था, कई स्थानों पर था ही नहीं। तो गढ़ी भदौरिया हमारे क्षेत्र में एक है, वहाँ से लेकर अवधपुरी क्षेत्र तक सीवेज सिस्टम था ही नहीं। लोग अपने अपने घरों के सामने या तो पुराने ढंग के शौचालय थे या फिर सॉक पिट बनाते थे। अब वहाँ पर हर जगह सीवर सिस्टम पहुँच चुका है, घर घर सीवर सिस्टम से जुड़ गया है। यह भी 180 करोड़ की योजना थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो विश्वविद्यालय खुल रहे हैं उसमें आगरा और आगरा के पास और पास कम से कम 5 निजी विश्वविद्यालय खुलेंगे, जिससे शिक्षा का स्तर ऊँचा होगा। तीसरा, पानी के बाद आवश्यकता दवाई की भी होती है आदमी को, तो इसका स्तर ऊँचा हो। यहाँ पर यहाँ के लोगों को आगरा से बाहर जो संपन्न है वो तो चले जाते हैं, कहीं कोई दिल्ली, कोई लखनऊ, कोई